नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है पोजीशनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कि पोजीशन देने के पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की बात करें तो फर्स्ट उद्देश्य है वो है प्रोवाइड कम्फर्ट, कम्फर्ट प्रोवाइड करने के लिए, आराम प्रोवाइड करने के लिए। सेकेंड है टू असेस वाइटल साइन, वाइटल साइन मतलब का असेसमेंट करने के लिए। अब वाइटल साइन क्या है, TPR BP, TPR और BP, मतलब टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी और पेन, ये नया है। तो ये जो है ना, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन और पेन और ब्लड प्रेशर, ये सारे वाइटल साइंस हैं, है ना, जैविक चिन्ह है, ठीक है। तो ये है। थर्ड है वो है जनरल एग्जामिनेशन, सामान्य एग्जामिनेशन करने के लिए। फोर्थ है वो है बेड शोर। अब बेड शोर क्या है, अब एक पेशेंट है, एक ही कंडीशन में लेटा हुआ है। अब मान लो पेशेंट को पैरालिसिस है, उसी कंडीशन में लेटा हुआ, तो वो एक कंडीशन में लेटे लेटे क्या है, उस एरिया की ब्लड सप्लाई ना वो कम हो जाएगी या मतलब बिल्कुल रुक जाएगी। अब ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहां से फिर क्या है, बेड शोर होगा, बेड शोर से नेक्रोसिस, मतलब गैंग्रीन और गैंग्रीन नेक्रोसिस, तो ये कंडीशन क्रिएट होगी। तो उसे बचाने के लिए अपन क्या है, पोजीशनिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना, पोजीशन चेंज करते रहते हैं। फिफ्थ है वो है थेरापेटिक पर्पज, यानी ट्रीटमेंट संबंधी अगर कोई अपना उद्देश्य है तो उस कंडीशन में अपन पोजीशनिंग देंगे। सिक्स्थ है वो है डायग्नोस्टिक पर्पज, कोई चीज़ का डायग्नोसिस करना है तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि ये पोजीशनिंग देंगे। तो ये कुछ उसके पर्पज थे, उस कंडीशन में अपन पोजीशन दे रहे थे। अब कौन कौन सी पोजीशन है वो देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं अपन प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन का मतलब है हिंदी में मतलब होता है उल्टा लेटाना। अब जैसे ये पेशेंट को इसमें उल्टा लेटा रखा, देखो अब देखो ये लेटा रखा है, ये क्या है, प्रोन पोजीशन है, उल्टी पोजीशन है, उल्टा लेटा रखा है। प्रोन पोजीशन की यूजेज क्या है, ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी। अब रीनल की बायोप्सी करते हैं तो उस कंडीशन में अपन प्रोन पोजीशन देते हैं। ड्यूरिंग परप्यूरियम पीरियड, अब महिला के अंदर परप्यूरियम पीरियड होता है 42 दिन का, उसके अंदर उसके ऑर्गन है ना, डिलीवरी के बाद ऑर्गन नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, तो वो कंडीशन क्या है, मतलब वो एक परप्यूरियम पीरियड है। थर्ड है बैक की मसाज, पीछे की मसाज कर रहे हैं तो, या फिर फोर्थ है बैक असेसमेंट, पीछे का असेसमेंट कर रहे हैं। तो इस इन जो फोर पॉइंट्स है ना, उनके बेसिस पे अपन आकर इसको है ना प्रोन पोजीशन यानी उल्टा लेटाते हैं। इस कंडीशन में देखो, इस चित्र में बताया भी रखा है ना, तो ये प्रोन पोजीशन देते हैं। बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये कौन कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो पहली कॉन्ट्रा इंडिकेशन बात करें वो है प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में अपन नहीं लेटाएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर उल्टा लेटाएंगे तो उसमें माँ को और बेबी को दोनों को परेशानी दिक्कत होगी या इंजरी भी हो सकती है। और सेकंड है एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी है तो उस कंडीशन में भी अपन क्या है कि उसको उल्टा नहीं लेटाएंगे, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इनमें तो निषेध है, ये नहीं करवाएंगे। बात करते हैं सेकंड की जो है सुपाइन पोजीशन, जिसको बोलते हैं सीधा लेटाना, वो उल्टी तो उल्टी थी, ये सीधा लेटाना है सुपाइन पोजीशन। यूजेज क्या है, आफ्टर रेनल बायोप्सी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब एग्जाम में आ गया भाई, रेनल बायोप्सी के अंदर कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। अब एम एस मतलब ABC और D में ऐसे मतलब डिवाइड करके बताने लिख दिया, उसमें फर्स्ट अपन देखते हैं कि रेनल बायोप्सी का ऑप्शन, रेनल बायोप्सी के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर सुपाइन पोजीशन लिख रखा है, तो अपन सुपाइन पोजीशन ही क्लिक करेंगे क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर वो है, ठीक है। सेकेंड है LP, लंबर फ्रैक्चर करते हैं, उस कंडीशन में अपन क्या है सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। थर्ड है एब्डोमिनल मसाज, यानी एब्डोमिन की अगर मसाज कर रहे हो ना, तो उस कंडीशन में भी अपन सुपाइन पोजीशन है वो दे सकते हैं। इन केस ऑफ डंपिंग सिंड्रोम, मान लो डंपिंग सिंड्रोम में क्या है, भोजन अगर एक्सेसिवली भोजन के अंदर शुगर है वो स्टोमक से फिर बोवल के अंदर जा रहा है, तो उस कंडीशन में प्रोवाइड करने के लिए भी अपन क्या है कि सुपाइन पोजीशन देते हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है सुपाइन पोजीशन की, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो आफ्टर जनरल एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया तीन टाइप है, जनरल है, लोकल है, स्पाइनल है। अब जनरल एनेस्थेसिया का मतलब पूरी बॉडी को एनेस्थेटिक करते हैं, मतलब सुना करते हैं ना उसको, है ना, तो उस कंडीशन में पर क्या है कि जनरल एनेस्थेसिया नहीं दे सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जनरल एनेस्थेसिया के अंडर ना, आफ्टर नहीं, जनरल एनेस्थेसिया नहीं है, आफ्टर जनरल एनेस्थेसिया उस कंडीशन में अपन मतलब ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सुपाइन पोजीशन। अब नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, नेक्स्ट पोजीशन है वो है राइट लेटरल पोजीशन। अब राइट लेटरल जैसे ये देखो, ये मतलब ये देखो ये लेटा हुआ राइट लेटर। यूजेज क्या है, यूजेज की बात करें तो ईयर का इरिगेशन, मतलब कानों की सफाई कर रहे हो, इरिगेशन का मतलब होता है सफाई, ठीक है। आफ्टर लीवर बायोप्सी, लीवर की बायोप्सी कर रहे हो तो उस कंडीशन में अपन राइट लेटरल पोजीशन देते हैं, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन सेकंड है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। तो लेफ्ट लेटरल के अंदर फर्स्ट है एनिमा, जो सेकंड प्रायोरिटी है। एनिमा का एनिमा अपन देखा है, एनिमा देते हैं सिंपल इवेकेट और रिटेंट, दो एनिमा टाइप के, दो के टाइप की एनिमा होती है, ठीक है, वो अलग अलग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सेकंड प्रायोरिटी के अंदर एनिमा देते हैं, एनिमा सेकंड प्रायोरिटी है,
एनिमा की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? सिम्स लेटरल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गए एनिमा के अंदर कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, तो फर्स्ट में अपन जैसे सिम्स लेटरल, सेकंड में ये मतलब लेफ्ट लेटरल है, तो अपन सिम्स लेटरल ही पोजीशन इसमें क्लिक करें टिक करेंगे ना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर है। सेकंड है ड्यूरिंग रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टम का टेम्परेचर ले रहे हो, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ आता है एग्जैक्टली? रेक्टम का, फिर एक्जिलरी का, फिर माउथ का, ओरली लेते हैं। तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि जैसे 99.6 आता है और उसका 98 और ओरल का थोड़ा कम आता है 97.6, फॉर्मूला मैंने बता रखा है उसमें। तो उस कंडीशन में क्या है ड्यूरिंग रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हो ना, तो उस कंडीशन में अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। कोलन का इरीगेशन, कोलन की सफाई कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी अपन क्या है लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। आफ्टर एनेस्थेसिया, आफ्टर एनेस्थेसिया दे इफ वोमिटिंग अकर, एनेस्थेसिया के बाद वोमिटिंग अकर की कंडीशन आ रखी होगी, तो उस कंडीशन में अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है वो ड्यूरिंग माउथ केयर, यानी मुंह की केयर कर रहे हो, मुंह को साफ कर रहे हो फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, पेशेंट अनकॉन्शियस है, एचएचएन है, जिसको पूरा पता नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है लेफ्ट लेटरल जो पोजीशन है वो प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे ये स्ट्रक्चर में दिखाई रखा है ऐसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है, ऊपर वाले राइट लेटर राइट साइड में लेटा हुआ है और लेफ्ट लेटरल लेफ्ट साइड में लेटा हुआ है। अब नेक्स्ट पोजीशन है वो है कोलोनोस्कोपी, मतलब ये कोलोनोस्कोपी में भी ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। अब इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किन कंडीशन में अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन वो नहीं देंगे, तो फर्स्ट अपन है वो है हिप का फ्रैक्चर, हिप के फ्रैक्चर है ना उस कंडीशन में अपन नहीं दे सकते। सेकंड है ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक की कोई सर्जरी हुई है, हिप का कोई फ्रैक्चर है, तो उस दो कंडीशन में अपन जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है वो नहीं दे सकते। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लेफ्ट लेटरल पोजीशन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन में देख लिया लिख दिया हिप फ्रैक्चर, ऑर्थोपेडिक सर्जरी या ऑर्थोपेडिक और हिप दोनों कंबाइंड में ए, जैसे ए दे के फिर हिप और ऑब्लिक में देके ऑर्थोपेडिक दे दिया, तो अपन क्या हिप और ऑर्थोपेडिक है ना वो ही क्लिक करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ये दो ही है, ठीक है। सेकंड है स्टैंडिंग या इरेक्ट पोजीशन, स्टैंडिंग और इरेक्ट पोजीशन मतलब खड़ा पोजीशन है ये, इसमें यूज क्या है फॉर असेसमेंट एंड स्पाइन बैक, स्पाइन और बैक की जो स्ट्रेच असेसमेंट है ना वो कंडीशन में अपन फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। हर्निया का असेसमेंट करते हैं, हर्निया का मतलब एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के पास में धस जाना, उसमें इंट्रोड्यूस होना, इंट्रोटस हो जाना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हर्निया, ठीक है। जैसे हाइटस हर्निया है और इगुइनल कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हर्निया की कंडीशन में देखो, हर्निया की कंडीशन में और कोई बैक का जनरल असेसमेंट कर रहे हो उस कंडीशन में भी अपन क्या इसको देते हैं। टेस्टिंग का सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिस होते हैं ना उसका सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए ही स्टैंडिंग या इरेक्ट पोजीशन देते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो कि BSE बोलते हैं अपन उसको शॉर्ट फॉर्म में, एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में भी अपन क्या है कि ये स्टैंडिंग या इरेक्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो स्पाइनल या स्पाइनल की फ्रैक्चर हुई है, स्पाइनल फ्रैक्चर इंजरी, स्पाइन यानी बैक की साइड की पीछे की इंजरी हुई है। अब अपन पीछे की इंजरी और फिर अपन पेशेंट को खड़ा करेंगे तो इंजरी ओवर क्रिएट हो जाएगी, मतलब ज्यादा हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इस कंडीशन में तो अपन स्टैंडिंग या इरेक्ट पोजीशन देनी नहीं है, इस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन या हिंदी में बोलते हैं निषेध है, इस कंडीशन में अपन ये पोजीशन नहीं दे सकते। बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, बड़ी मोस्ट पोजीशन है जिसका नाम है लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी बोलते हैं उसको। तो लिथोटोमी की क्या यूजेज है, लिथोटोमी की बात करें तो फर्स्ट लिथोटोमी की जो उद्देश्य है वो पर्पज है वो है वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइना से जिसकी मान लो वेजाइनल डिलीवरी हो रखी है, सिजेरियन नहीं वेजाइनल डिलीवरी है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है लिथोटोमी देंगे। डायलेशन है क्यूरेटेज, मान लो अबॉर्शन हो गया है ना, इन्फेक्शन के चांसेस है, तो जैसे सेप्टिक अबॉर्शन है उस कंडीशन में अपन क्या है डायलेशन और क्यूरेटेज की कंडीशन में मतलब डायलेट करेंगे फिर क्यूरेटेज, उसको खुरचेंगे, सीधा सा बात ये खुरचना होता है, जो पार्ट बच गए उस पार्ट को खुरच के निकालेंगे, तो उसको खुरचने के डायलेशन और क्यूरेटेज और वेजाइनल डिलीवरी और वेजाइनल एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग ये कंडीशन है ना, उन सारों के अंदर अपन लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। फर्स्ट अपन जैसे वेजाइनल डिलीवरी, सेकंड डायलेशन एंड क्यूरेटेज, थर्ड है वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हो, फोर्थ है ड्यूरिंग IUCD इंट्रायूटराइन चाइल्ड है ना डेथ हो गई, उस कंडीशन में भी अपन क्या है ये नहीं ड्यूरिंग IUCD इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस इंसर्शन कर रहे हैं है ना, तो उस कंडीशन में जैसे कोपर्टी है या और कुछ है ना, तो उस कंडीशन में अपन क्या है ये लिथोटोमी पोजीशन देते हैं है ना। ये अपन देखा है लेबरूम में देखते हैं तो ये लिथोटोमी पोजीशन जैसे डिलीवरी के टाइम में मतलब महिला को दी जाती है, तो ये कंडीशन लिथोटोमी पोजीशन है। अब इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है लिथोटोमी पोजीशन की, तो बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, जिसमें पेल्विक का फ्रैक्चर है, पेल्विक पार्ट का इलियम इस्ट्यूम फ्यूबिक है ना, पेल्विक पार्ट होता है,
तो उस कंडीशन में अगर मान लो उस पेल्विक का फ्रैक्चर हो रखा है, इंजरी हो रखी है, टूट फूट है, तो उस कंडीशन में अपन लिथोटोमी पोजिशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन की स्थिति है, तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। अब बात करते हैं नी चेस्ट पोजीशन की, जो सिक्स नंबर पोजीशन है वो है, जिसका सेकंड नाम है जेनुपेक्टेरियल पोजीशन। अब एग्जाम में नी चेस्ट न देखिए और जेनुपेक्टेरियल दे देते हैं ना, तो वो मतलब स्टूडेंट घबरा जाते हैं, तो उस कंडीशन में एक ही नाम है इनका, नी चेस्ट पोजीशन या जेनुपेक्टोरियल पोजीशन। यूजेज इसके क्या है, जैसे यूजेज की बात करें, जैसे रेक्टम का एग्जामिनेशन, सिग्मोइडोस्कोपी या कोड प्रोलेप्स, की कंडीशन है या सिग्मोइडोस्कोपी है, या मान लो रेक्टम का एग्जामिनेशन कर रहे हो, इन सारी कंडीशन में, इन सारी स्थिति के अंदर अपन क्या है कि नी चेस्ट या जेनुपेक्टोरियल पोजीशन देते हैं। ये देख लो, ये नी चेस्ट पोजीशन का स्ट्रक्चर है, ऐसे नी चेस्ट पोजीशन दी जाती है। जेनुपेक्टोरियल पोजीशन बोलते हैं, रेक्टम का एग्जामिनेशन कर रहे हो या सिग्मोइडोस्कोपी कर रहे हो, या फिर सिग्मोइड कोलन को देख रहे हो, स्कोपी का मतलब देखना ही होता है, कोड का प्रोलेप्स कर रहे हो, कोड प्रोलेप्स मतलब इंजरी हो जाती है कोड में ना, स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर में, तो वो कंडीशन क्या है। इन सारी कंडीशन के अपन, इस सारी कंडीशन में अपन है ना नीचे पोजीशन या जो जेनुपेक्टोरियल पोजीशन है वो प्रोवाइड करते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में दिखाई रखा है, ऐसे नीचे पोजीशन देते हैं। अब बात करते हैं सेवंथ नंबर पोजीशन, जिसका नाम है ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इस ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन का जो भाई कैसे देते हैं ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन, तो फर्स्ट अपन है पेशेंट हेड एंड बिलो 45 डिग्री, पेशेंट का जो सिर का हिस्सा ना वो उसमें मतलब बिलो कर देंगे, नीचे करेंगे 45 45 डिग्री कोण पे ना, तो उसको नीचा कर देंगे, और रिवर्स में लेग है ना उसको नीचा कर देंगे, हेड को एलिवेट कर देंगे, तो रिवर्स उल्टा होगा, और इसमें ट्रेड लेनबर्ग में जैसे रिवर्स ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन है। तो देखते हैं, अब जैसे इस स्ट्रक्चर में दिखा रहा है चित्र में, अब जिसको हेड एंड है ना, हेड एंड देखो है ना, लेग एंड एलिवेटेड हो रहा है और हेड एंड है ना वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। किस कंडीशन में ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन देते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट अपन है जैसे शोक का पेशेंट, बीपी कम और पल्स रेट ज्यादा हो रखी है, उस कंडीशन में शोक है पेशेंट के अंदर, शोक की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर ट्रेड लेनबर्ग देते हैं, है ना। अब मान लो शोक का पेशेंट है, मतलब ब्लड बीपी कम और पल्स रेट ज्यादा हो रखी है, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को उल्टा मतलब सीधे सुपाइन पोजिशन में लटा के, और जो हेड का एंड है ना वो 45 डिग्री में मतलब नीचे कर देंगे, बिलो कर देंगे, और लेग है ना वो हिस्सा उठा देंगे, उससे क्या है कि हार्ट के ऊपर जो ब्लड है ना उसका ब्लड है ना वो पहुंचेगा हार्ट की तरफ, और जो शोक की कंडीशन है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, शोक कंडीशन ना वो प्रिवेंट कर लेंगे उस कंडीशन में। सेकंड है कोड प्रोलेप्स की, कोड प्रोलेप्स में फर्स्ट प्रायोरिटी है ट्रेड लेनबर्ग, टबेक्टमी ऑपरेशन, टूबेक्टमी और वैसेक्टमी है ना, तो उस कंडीशन में है ना मतलब मान लो भाई फीमेल में जैसे है ना टूबेक्टमी करते हैं, टूबेक्टमी एक परमानेंट ऑपरेशन है, कॉन्ट्रासेप्टिव एक मेथड है ना, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं टूबेक्टमी में, टूबेक्टमी भी अपन क्या करते हैं ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन देते हैं। फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइना का एग्जामिनेशन कर ले, अब्डोमिनल का एग्जामिनेशन कर ले, या कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, उस कंडीशन में भी अपन क्या ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन देते हैं, अब्डोमिनल एग्जामिनेशन, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट उसमें, या फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन में, या टूबेक्टमी में, या शोक में, कोड प्रोलेप्स में, इन कंडीशन में है ना अपन कोड या ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन वो प्रोवाइड करते हैं। और कैसे प्रोवाइड करते हैं वो सारा कुछ इस इमेज में दिखा रखा है, और ये देखो ऊपर पेशेंट का हेड एंड है ना वो बिलो करते हैं 45 डिग्री, और लेग है ना वो अपने आप ही एलिवेट हो जाएगा, कि हेड को बिलो करोगे तो लेग है ना वो एलिवेट होगा, ये कंडीशन जो पोजीशन बनती है ना ये पोजीशन है ट्रेड लेनबर्ग। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इंक्रीज आईसीपी पेशेंट, इंट्राक्रेनियल पेशेंट बढ़ा, इंट्राक्रेनियम का प्रेशर बढ़ा हुआ है पेशेंट, 10 से 20 होता है, 20 से ज्यादा हो गया। अब उस कंडीशन में अपन क्या है कि अब मान लो पेशेंट को ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन दे रहे हैं, आईसीपी उसका पहले से बढ़ा हुआ है, क्रेनियम का प्रेशर बढ़ा हुआ है, अब इसमें अपन क्रेनियम का प्रेशर और थोड़ी बढ़ाएंगे, वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। सेकेंड है आई की सर्जरी, आंखों की सर्जरी कर रखी है, तो उस कंडीशन में भी अपन ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, निषेध है, उसमें नहीं देना है। आईसीपी पेशेंट में और आई की सर्जरी कर रखे ना उसमें ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट है रिवर्स ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन, जिसको उल्टा करते हैं। अब उसमें हेड को बिलो कर रखा था, इसमें हेड को एलिवेट करके लेग को बिलो कर रखा है ना 45 डिग्री, तो ये रिवर्स ट्रेड लेनबर्ग पोजीशन है। यूज इसका कहाँ पे करते हैं, जीईआरडी का मतलब होता है गेस्ट्रो
एसोफेजियल, गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, मतलब रिफ्लेक्स डिजीज है ना, वो कंडीशन क्या है? वो एक गेरड है जिसको GERD बोलते हैं ना। अब रिवर्स टेल लेनब्रग है ना, ये पोजीशन है, इस प्रकार स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, वो देते हैं ठीक है, GERD के अंदर रहते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसका है नहीं ठीक है। डोर्सल रिकमेंड की बात करें, जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है यूज इन कैथेटराइजेशन, आप कैथेटर की जो प्रोसीजर है ना वो परफॉर्म कर रहे हो, तो उस कंडीशन में अपन डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर एग्जाम में पूछ लिया कैथेटराइजेशन के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं, तो डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देते हैं। सेकेंड है पेरिनियल एग्जामिनेशन, पेरिनियल एरिया का एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या है कि डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देते हैं। थर्ड है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिन का एग्जामिनेशन कर रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कौन सी प्रोवाइड करते हैं, तो डोर्सल रिकमेंड पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल की सर्जरी हुई, स्टिचेज लगानी है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देते हैं। अब जैसे ये स्ट्रक्चर में दिखा भी रखा है, ये डोर्सल रिकमेंड पोजीशन है। अब नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, अब नेक्स्ट पोजीशन है उसका नाम है वॉलचेयर पोजीशन, जिसको लाइक एज लिथोटोमी, लिथोटोमी पोजीशन ना जैसी पोजीशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर ठीक है। यूजेज की बात करें, यूजेज में जैसे ब्रिज प्रेजेंटेशन है, अब प्रेजेंटेशन में कभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा प्रेजेंटेशन क्या है, लेकिन प्रेजेंटेशन में जैसे शिपेलिक प्रेजेंटेशन है, शिपेलिक में जैसे ब्रो फेस वर्टेक्स है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो ये प्रेजेंटेशन ना है ना, तो प्रेजेंटेशन जो ब्रिज प्रेजेंटेशन ना उस ब्रिज प्रेजेंटेशन में फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर ये वॉलचेयर पोजीशन देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में। एब्डोमेन की कोई सर्जरी हुई है, ड्यूरिंग डिलीवरी है, या डायलेशन क्यूरेटेज है, इन कंडीशन जो मैंने बताई है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है, एब्डोमिनल सर्जरी है, या ड्यूरिंग डिलीवरी जिसके एंड डायलेशन एंड क्यूरेटेज, उस कंडीशन में अपन वॉलचेयर पोजीशन ना वो प्रोवाइड करते हैं, लाइक एज लिथोटोमी पोजीशन ही है ठीक है। अब वो 11th नंबर की जो पोजीशन है उसको बोलते हैं जैक नाइफ बोजमैन या क्रोसक पोजीशन, जैक नाइफ बोजमैन या क्रोसक पोजीशन, जिसको नीचेस्ट पोजीशन बोलते हैं भी। एग्जाम में कोई भी नाम देके पूछ लिया जाता है, जैसे जैक नाइफ पूछ लिया, बोजमैन पूछ लिया, या क्रोसक पोजीशन पूछ लिया, ये सारे नाम है ना एक ही पोजीशन के, अलग अलग एग्जाम जैसे अलग अलग नाम देके पूछ लिया तो अपन घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, ये नाम याद रखने हैं और एक ही पोजीशन है, जैक नाइफ बोजमैन और क्रोसक। अब इसमें क्या करते हैं, जिसको नीचेस्ट पोजीशन है वैसी पोजीशन, ड्यूरिंग रेक्टम का या कोकीजियल ऑपरेशन कर रहे हैं, कोकिक्स का ऑपरेशन कर रहे हो या ड्यूरिंग रेक्टम, रेक्टम और कोकिक्स में, इन कंडीशन में है ना अपन जैक नाइफ बोजमैन या क्रोसक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, जिसका नाम है फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन। इसके अंदर तीन पोजीशन क्रिएट होती है, सेमी फाउलर, फाउलर और हाई फाउलर। सेमी फाउलर की बात करें तो इसके अंदर 30 डिग्री एंगल पर रखते हैं, 30 डिग्री एंगल देखो ये दिखा भी रखा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे है ना। लो फाउलर, फाउलर जिसमें 45 to 60 डिग्री 45 से 60 डिग्री का कोण बन रहा हो वो है, थोड़ा सा इलेवेट करेंगे ऐसे, और जो मतलब हाई फाउलर है उसमें सीधा हो जाएगा है ना। तो ये कंडीशन अलग अलग है, जैसे सेमी फाउलर हो गया जिसको लो फाउलर बोलते हैं, उसके बाद में फाउलर हो गया जिसमें 45 to 60 डिग्री एंगल पे कोण बनता है पेशेंट का और बेड का ठीक है बीच में, और हाई फाउलर के अंदर 75 to 90 डिग्री एंगल है ना जिसमें समकोण बन रहा है जैसे सीधा बनेगा, तो वो क्या है, वो हाई फाउलर ही कंडीशन है, तो ये फाउलर पोजीशन है, ये पेशेंट को लेटा भी रखा देखो, ये सेमी फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन है। अब बात करते हैं ट्रिपोइड पोजीशन की, ट्रिपोइड पोजीशन क्या है, तो ट्रिपोइड पोजीशन की बात करें ना तो ट्रिपोइड पोजीशन यूज इन सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट है। अब अस्थमेटिक पेशेंट है ना, एलर्जिक रेस्पिरेटरी एलर्जी है ना अस्थमेटिक, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है फर्स्ट प्रायोरिटी है, सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट है, तो उसको अंदर अपन है ना ट्रिपोइड पोजीशन आती है, जैसे ये स्ट्रक्चर में ये महिला स्ट्रक्चर में दिखा रखा है महिला का, ये ट्रिपोइड पोजीशन में बैठी हुई है ना, तो ये कंडीशन क्या है ट्रिपोइड पोजीशन। अब जैसे सीवियर अस्थमेटिक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो उस कंडीशन में अपन ट्रिपोइड पोजीशन वो परफॉर्म करेंगे ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिपोइड पोजीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, सेकंड इसके अंदर जैसे सेमी फाउलर लाइक एज अपराइट, खड़ी हुई स्थिति, अपराइट बैठी हुई स्थिति में यूज इन इंक्रीज और आईसीपी पेशेंट के अंदर अपन यूज कर सकते हैं सेमी फाउलर को। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है,
पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी में एडिमा बना रखा है ना ब्लड, वो कंडीशन क्या है, उन कंडीशन में अपन सेमी फाउलर पोजीशन ना वो प्रोवाइड करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इस पोजीशन के, तो स्पाइनल की इंजरी हो रखी है, स्पाइन के पीछे इंजरी रखी हो रखी है, और अपन अगर अपन सेमी फाउलर पोजीशन दे रहे हैं तो वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ये सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट का एग्जाम में पूछ ले, सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट है उसमें कौन सी पोजीशन मतलब परफॉर्म करोगे, एबीसीडी में पूछ लिया, तो अगर एग्जाम में अगर एबीसीडी में या एबीसीडी में अगर ट्रिपोर्ट दे रखा है तो अपन ट्रिपोर्ट पोजिशन ही क्लिक करेंगे, अगर नहीं दे रखा है तो फिर सेमी फाउलर और ये वे भी कर सकते हैं, तो सेमी फाउलर ठीक है। पल्मोनरी में, कार्डिक में, रेस्पिरेटरी में और इंक्रीज आईसीपी पेशेंट, इन कंडीशन में अपन क्या है ये सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, और स्पाइनल इंजरी के अंदर अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं देंगे। अब बात करते हैं हाई फाउलर की, तो हाई फाउलर के अंदर मैंने बताया कि भी 90 डिग्री एंगल कौन बन जाता है, जैसे ये बना रखा है ना 90 डिग्री एंगल ठीक है, सेमी फाउलर फिर फाउलर फिर हाई फाउलर जिसमें ट्रिपोइड पोजीशन भी देते हैं, ट्रिपोइड अलग ट्रिपोइड पोजीशन है। तो हाई फाउलर की बात करें तो 75 टू 90 डिग्री एंगल बनता है, किस कंडीशन में यूज करता है, सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट है, सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट है तो हाई फाउलर या ट्रिपोइड पोजीशन देते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, ड्यूरिंग बोलस खाना खाते समय, हमारा बोलस फीडिंग है, एक कंटिन्यूस फीडिंग होती है, एक साइकिलिंग फीडिंग होती है, बोलस फीडिंग है, तीन प्रकार की फीडिंग होती है, तो फीडिंग है टाइप है बोलस फीडिंग, तो ये ड्यूरिंग मान लो फीडिंग दे रहे हो उस कंडीशन में भी अपन क्या है हाई पाउलर पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या ड्यूरिंग बोलस फीडिंग है, उन सारी कंडीशन में अपन क्या है कि हाई पाउलर पोजीशन देते हैं। तो आज का मतलब देखा अपने पोजीशन ठीक है, एक बार रिवर्स कर लेते हैं सारा कुछ। फर्स्ट अपन देखा पोजीशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो कंफर्ट देने के लिए, वाइटल साइन असेसमेंट के, जनरल एग्जामिनेशन, प्रिवेंट बैड सोर्स बताने के लिए, या थेरापेटिक पर्पज, डायग्नोस्टिक पर्पज, सारे पर्पज के लिए अपन पोजीशनिंग देते हैं। फर्स्ट पोजीशन देखिए अपन ने प्रोन पोजीशन, जिसके अंदर उल्टा लेटाते हैं पेशेंट को, जिसको स्ट्रक्चर में देखो ये दिखा भी रखा है उल्टा लेटा हुआ है ना, तो ये देते हैं उसमें बैक मसाज में, बैक असेसमेंट ड्यूरिंग प्रपूरियम पीरियड और रेनल बायोप्सी। बायोप्सी ऑटोप्सी मैंने बताया डेड टिश्यू करते हैं वो ऑटोप्सी होती है, और जीवित टिश्यू या लाइव टिश्यू करते हैं उसको बोलते हैं बायोप्सी ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन अपन ने देखा कि प्रेगनेंसी और अब्डोमिनल सर्जरी इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ठीक है। सेकंड अपन देखा सुपाइन पोजीशन जिसमें रेनल बायोप्सी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आफ्टर लंबर फ्रैक्चर, अब्डोमिनल मसाज, इन केस ऑफ डंपी सिंड्रोम, इन चारों कंडीशन के अंदर अपन आपका सुपाइन पोजीशन वो परफॉर्म करते हैं, ये स्ट्रक्चर में दिखा रखा है। जनरल एनेस्थेसिया आफ्टर वो कंडीशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसके अंदर ठीक है। बात करते हैं राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल, जैसे पेशेंट लेटा हुआ देखो राइट लेटरल में और लेफ्ट लेटरल में, आप मान लो ईयर की इरीगेशन कर रहे हो, आफ्टर लिवर बायोप्सी है तो उस कंडीशन में अपन राइट लेफ्ट लाइट लेटरल देंगे, और अगर लेफ्ट लेटरल है जैसे मान लो एनेमिया कंडीशन है, ड्यूरिंग लेफ्ट टेम्परेचर है, कोलन का इरीगेशन है, आफ्टर एनेस्थेसिया है, अगर वॉमिटिंग हो रही है आफ्टर एनेस्थेसिया तो उस कंडीशन में अपन लेफ्ट लेटरल देंगे। एनिमा इसमें सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर सिम्स लेटरल ना वो कंडीशन इस मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है एनिमा के अंदर। अनकॉन्शियस पेशेंट है माउथ का, मतलब ड्यूरिंग माउथ केयर देते समय तो वो भी लेफ्ट लेटरल के अंदर आते हैं। कोलोनोस्कोपी है वो भी लेफ्ट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके क्या है, तो अपन देखा हिप के भी अपन ने देखा हिप का फ्रैक्चर है या ऑर्थोपेडिक सर्जरी है उस कंडीशन में अपन क्या है कि ये कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन की, जिसमें हर्निया का एग्जामिनेशन, हर्निया का असेसमेंट, टेस्टिंग का एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इन सारी कंडीशन में अपन स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन स्पाइनल की सर्जरी होती है। लिथोटॉमी, वेजाइनल एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग डायलेशन क्यूरेटेज, वेजाइनल एग्जामिनेशन, आईयूसीडी इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्शन करें तो उस कंडीशन में भी अपन लिथोटॉमी देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, पेल्विक की सर्जरी, पेल्विक की कोई फ्रैक्चर हुआ है उस कंडीशन में भी देंगे, नहीं देंगे। नी चेस्ट पोजिशन है जिसमें जेनुपेक्टियल पोजिशन बोलते हैं, रेक्टम का एग्जामिनेशन, सिग्मोइडोस्कोपी, कॉर्ड प्रोलेप्स है जैसे स्ट्रक्चर में दिखा रखा है उस कंडीशन में अपन क्या है कि ये नी चेस्ट पोजिशन देंगे ठीक है। बात करते हैं ट्रेड लाइन ब्रेक, जिसमें 45 डिग्री एंगल है ना वो हेड मतलब बिलो होता है, लेग इलेवेट हो जाता है उस कंडीशन में, जैसे शोक का पेशेंट है, कॉर्ड प्रोलेप्स है, ट्यूबेक्टमी है, जो परमानेंट मतलब ये है ना मेथड है, तो वो है वेजाइनल एग्जामिनेशन है, अब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, तो उस कंडीशन में अपन है ना मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का परमानेंट मेथड है ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट है उन सारी कंडीशन में ट्रेड लाइन ब्रेक देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, आईसीपी पेशेंट का इंक्रीज आईसीपी पेशेंट है उस कंडीशन में देंगे, या आई सर्जरी उस कंडीशन में भी अपन ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। रिवर्स में अपन देखा कि
जीआरडी के अंदर गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, उस कंडीशन में अपन ये परफॉर्म करते हैं, ये प्रोवाइड पोजिशन रिवर्स टेल लाइन में। डोर्सल रिकमेंड में कैथेटराइजेशन और रिनल पेरिनियल एग्जामिनेशन और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन या एब्डोमिनल की सर्जरी स्टिच वगैरह लगा रहे उस कंडीशन में अपन ये डोर्सल रिकमेंड देते हैं। वल्चर जिस वल्चर पोजिशन जिसको लाइक है लिथोटोमी देते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन में, एब्डोमिनल सर्जरी में, ड्यूरिंग पेल्विक सर्जरी में या डायलेशन क्यूरेटेज में अपन ये वल्चर पोजिशन प्रोवाइड करते हैं। 11th नंबर थी जिसमें जैकनाइफ, बोजमैन, क्रोसक, एक ही पोजीशन के तीन नेम है। नीचेस्ट पोजीशन लाइक एज ड्यूरिंग रेक्टम और कोकेजियल ऑपरेशन करते हैं उस कंडीशन में लेते हैं। फाउलर पोजीशन देखा अपन ने 30 डिग्री एंगल पे, जिसको सेमी फाउलर, फिर हाई फाउलर और हाई फाउलर, जिसमें ये अलग अलग एंगल दे रखा है। ट्रिपॉइड पोजीशन, तो सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट हो, एग्जाम में आ गए सीवियर एस्थमेटिक को कौन सी पोजीशन देंगे, तो ट्रिपॉइड पोजीशन या फिर हाई फाउलर पोजीशन, जिसमें 75 to 90 degree एंगल पे पेशेंट को लिमिट कर रखा है। सेमी फाउलर में अपन देखा कि इनक्रीज आईसीपी पेशेंट है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है या पल्मोनरी एडिमा है ना, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर एडिमा बन रखा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि ये ट्रिपॉइड पोजीशन सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। हाई फाउलर के अंदर 75 to 90 degree एंगल पे उसको लटाते हैं। सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ड्यूरिंग बोलस है, इस कंडीशन में सारी में अपन इसमें वो देते हैं हाई फाउलर पोजीशन लेते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन ने देखा कि मतलब कौन सी कंडीशन में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप जैसे सब्सक्राइब करते हो ना तो सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, नए नए वीडियो लाने का मन करता है, नया नया नॉलेज लाने का मन करता है। तो कुछ भी अगर सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा। थैंक यू सो मच।